आप सभी का स्वागत है QNS TV में। मैं हूं आंशुल मिस्कीन और आप जुड़े हैं हमारे साथ इस चंक में जिसे हम कहते हैं हैशटैग न्यूज इन्फॉर्मेटिव। तो इसी सिलसिले में एक खबर जो है वो कश्मीर के अभी हाल ही के हालातों से जुड़ी सामने आई है। कश्मीर में जैसे कि हम सभी ने देखा, कुछ समय पहले तेज बारिश देखने को मिली और उससे फ्लड लाइक सिचुएशंस जो थे वो क्रिएट हुए और कई जगहों पर पानी भी भर गया था। अब उसी के बाद डॉक्टर्स ने इस बात को सामने रखा कि उन हालातों के बाद कश्मीर में वाटरबॉर्न डिजीजेस यानी पानी से होने वाली बीमारियां लोगों को जकड़ सकती हैं। डॉक्टर्स सबको अवेयर करते हुए यही हालातों का जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए ये कह रहे हैं कि पानी पीते समय कुछ प्रिकॉशंस जो हैं उनका ध्यान रखा जाए और साथ ही अगर पॉसिबल हो सके तो पानी के सैंपल्स को लैब में जांच के लिए भेजें। इन्हीं सब प्रिकॉशंस से अवेयर करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से एक एडवाइजरी भी जारी हुई जिसमें लोगों से पीने के पानी को लेकर सतर्क बने रहने को कहा गया। लोगों के साथ साथ सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को तैयार भी रहने को कहा और हेल्थ एजुकेटर्स से कम्युनिटी में जितना हो सके उतनी अवेयरनेस फैलाने को कहा। इसके अलावा उस एडवाइजरी में ये बात साफ साफ मेंशन थी कि पीने वाले पानी को एटलीस्ट 20 मिनट तक बॉयल करने के बाद ही पिए। जिस कंटेनर में आप पानी स्टोर करते हैं उसे साफ करें। खाने से पहले सोप यानी के साबुन से 15 से 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोएं। इसके अलावा पानी को क्लोरीनेट करें और अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो ORS का होममेड मिक्सचर तैयार करें। अब दोस्तों, ये जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं उसे सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको क्योर तक ना पहुंचना पड़े इसीलिए डॉक्टर्स ने कुछ एडवाइस शेयर की है ताकि हमारी सेहत ठीक बनी रहे। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ या किसी और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।